आज का एजेंडा है पाकिस्तान और आज का सवाल है कि पाकिस्तान जिंदाबाद या पाकिस्तान से जिंदा भाग लेकिन आपका जो मेन टॉपिक है आज का कि पाकिस्तान जिंदाबाद या पाकिस्तान से जिंदा जिंदा भाग, भाग? इस पे मैं कुछ कहना चाहूंगा कि हमारे जहन में ये क्यों आता है कि हम बाहर मुल्क जाएंगे तो सिर्फ गाड़िया ही साफ करेंगे या पेट्रोल पंप पे ही लगे रहेंगे हम वहाँ बाहर जाकर पाकिस्तान को बेटर वे में सर्व कर सकते हैं लेट सपोज़ मेरी आधी फैमिली बाहर है और बहुत अच्छी उसमें लिविंग स्टाइल में है और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट करती है इवन आपको दुबई की एग्जाम्पल याद होगी एक पाकिस्तानी था जब यहाँ पर अर्थकविक आया था उसने फोर घर बना दिए थे तो वन पाकिस्तानी रेडेड वाइट uh, क्या आप क्या समझते इस बार में ठीक ये, आपने ये तो अच्छी आप बात टॉपिक ही क्यों रखते हैं इसको बाहर बंदा जा रहा है तो वो भाग रहा है पाकिस्तान से एक आप अच्छी थिंकिंग लेकर बाहर जा सकते हैं कि मैं बाहर जाऊंगा पढ़ूंगा और बेटर वे में पाकिस्तान को सर्व कर सकूंगा <laughs> आप ये भी ना यू वेरी मच नहीं आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है आगे भी हम व्यू लेंगे एक देखें बात यह है कि इसमें कोई पेट्रियाटिज्म का इशू नहीं है बल्कि मोइज़ अगर आगे माइक अगर आप प्लीज़ पास कर दें मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पे एक डेंटिस्ट बैठी हुई हैं इनको अगर इनसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि इन्होंने अभी एक नुक्ता उठाया है कि पाकिस्तान से प्यार करने के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान में ही रहें यानी इट्स नॉट अनपेट्री ऑटेड टू लीव पाकिस्तान इफ़ यू हैव एन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आप बाहर जाते हैं रेमिटेंसेस भी आप भेज रहे हैं तो इसमें कोई आपकी पाकिस्तानीयत में कमी नहीं आ गई आप इस चीज़ को किस तरह देखती हैं वेल um, well, uh, मैं इनसे एग्री करूँगी क्योंकि पाकिस्तान में अगर एक बंदे के अंदर स्किल्स हैं पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जो है वो बहुत कुछ करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं और उन्हें बाहर वो अवेल करने का चांस मिल रहे हैं और वो बेटर जाके वहाँ पे अपनी एजुकेशन सर्व कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आ, आप लोगों के लिए इवन यू कैन से एफ सी का एग्ज़ाम पास करना डॉक्टर्स के लिए वो दो दो तीन तीन साल फेल हो जाते हैं दे हैव टू अटेम्प्टड टू टू थ्री टाइम्स बट अगर वो बाहर के मुख जाते हैं और उससे बेटर जाके अपनी डिग्री हासिल कर लेते हैं एंड देन दे कम बैक टू पाकिस्तान और वो यहाँ पे आके सर्व करते हैं आप अब पढ़ने की बात करी मैं कह रहा हूँ जो लोग बाहर चले जाते हैं रहने के लिए तो उसमें भी कोई बुराई तो नहीं है वो क्या वो इज इट कि आप बाहर चले जाएं रहने के लिए नहीं पाकिस्तान बा, बा, से बाहर भी बहुत लोग रहते हैं जो कि पाकिस्तान से इक्वली बहुत मोहब्बत करते हैं लेकिन द थिंग इज कि वो बाहर जाकर पाकिस्तान को भूलें नहीं यहाँ के आके कॉन्ट्रीब्यूट करें जितने भी मसले मसाए लेकिन आप फिर क्या ये कह रही हैं कि ये पाकिस्तान यानी हमारे मुल्क के ऊपर है कि हम इस मुल्क में ऐसा निज़ाम पैदा करें जो बरकरार करें रखें कि पाकिस्तानी चाहें यहां रहना यानी exactly. ये उस, उल, थोड़ा सा इस तरह हो गया कि कि वो हमें यहां रखने के लिए क्या कर सकता है पहले और अगर यहां हमें रख सकता है तो फिर हम उसके लिए कुछ करेंगे देखिए जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका के सदर थे उन्होंने इससे उल्टी बात कही थी कि आस्क नॉट वॉट योर कंट्री कैन डू फॉर यू बट वाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री बट ज़्यादातर लोग वाकई आप बिल्कुल सही कह रही हैं ये कहते हैं भाई हमें अपॉर्चुनिटी तो मिले पहले

वो हमारे लिए ऐसी सहूलतें पैदा करें कि हम लोग अपने सर्कल से बाहर आके अपनी डे टू डे लिविंग से बाहर आके हम लोग जो है सोचे पाकिस्तान के लिए आप डेंटिस्ट हैं यस yes. आप बाहर जाना चाहेंगी

वेरी मच इन्होंने एक महीज़ अच्छी ने, ने, बात की कि पाकिस्तान में रहना महज़ एक सहूलत या मोहब्बत ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है वो क्योंकि थोड़ी प्रिवलिज बैकग्राउंड से ज़्यादातर सब अगर यहाँ हैं भी तो वो समझते हैं कि अगर अल्लाह ने इस मुल्क में उन्हें अपॉरचुनिटीज़ दी हैं तो वो इस मुल्क के दूसरे दीगर लोगों के लिए उस स्किल को इस्तेमाल करें इवन अगर बाहर जाके बाहर जाना मुल्क से कोई गलत बात नहीं मुल्क के बाहर जो पाकिस्तानी रह रहे हैं वो बहुत मुहब वतन हो सकते हैं वो ज़रूरत के तहत जाते हैं या वो शौक़ से जाते हैं वो पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहने वाला पाकिस्तानी जब टैक्स देता है जब वोट देता है और जब पाकिस्तान में रहता है तो उसको फिर पाकिस्तान के हवाले से तनकीद करने की इजाज़त होती है जो आप लोगों को होगी और है जब वो मुल्क छोड़ के चला जाता है तो वो ऑप्शनल हो जाता है उसका मुल्क को मदद करना लिहाज़ा उसका पाकिस्तान के तरीक़ों की पाकिस्तान के हुक्मरानों के ऊपर तनकीद भेजना जो है वो फिर नाजायज़ हो जाती है पाकिस्तानी हैं आप इंसान हैं आप जहाँ रहना चाहें रह सकते हैं और जाना है आपने कहीं तो आप जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं लेकिन पाकिस्तान की हेल्प प्राइमेली थ्रू टैक्सीशन और प्राइमेरी थ्रू वोटिंग उसके बाद आप रिप्रजेंटेटिव पाकिस्तान विद इन पाकिस्तान होते हैं जिसके बाद आपको तनकीद का हाँ लेकिन अगर मैं, मैं आपसे ये पूछ सकूँ कि आपने बात की कि अगर आप टैक्स देते हैं और अगर आप वोट करते हैं तो आपको हक हासिल है कि आप तनकीद कर सकें Uh, हम टेलीविजन ठीक है वेल आई डोंट नो व्हाई यू वांट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टेलीविजन एंड ऑफ स्क्रीन लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसे हमारे मुल्क में इनकम टैक्स की चोरी बेहद आसान है और वो शायद बाय डिज़ाइन हो वो चाहते हों कि सारी चोरी में हर एक जो है हिस्सेदार बने ताकि किसी में वो मॉरल करेज ही ना हो कि वो कह सकें कि भाई आप हुक्मरान जो है कितनी चोरी करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो भी जो उन्होंने चार हजार रुपये हमारे यहाँ ये ये है सिर्फ कह, 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 मिलियन कहते तो हैं लेकिन मोहज ये जब आप एक कंडीशन बना रहे हैं कि अगर आप टैक्स देते हैं तो ही आप सवाल कर सकते हैं अपने हुक्मरानों से उसी वक्त फिर आपके पास हक होता है ना उसी वक्त हक होता है लेकिन क्या यही वजह तो नहीं कि यहाँ पर टैक्स की चोरी इतनी आसान है क्योंकि किसी को वो मॉरल करेज ही ना हासिल हो ताकि कि वो सवाल कर सकें आई वॉन्ट टू से यू टॉक अबाउट गिविंग वोट्स टू द पीपल और हम इनको आके इलेक्ट करें मतलब यहाँ पे सिक्सटी परसेंट ऐसे लोग हैं जो उनको वोट ही नहीं देना चाहते जो वो इस काबिल ही नहीं है कोई ऐसा बंदा ही नहीं है जो उसको आगे लाएं या वोट करें तो आप कब आ रही हैं सियासत में इट्स नॉट अबाउट कमिंग इन सियासत देखिए सियासत हर किसी की बात नहीं होती हर कोई आके हर कोई कायदे आजम नहीं होता हर कोई लीडर नहीं होता लीडर्स और मतलब हर कोई आके लीडरशिप नहीं संभाल सकता जो लोग इसको रखने की कैपेबिलिटी रखते हैं उन लोगों को अगर आगे आने का चांस मिले अगर जो हमारे ये बने बनाए लीडर्स हैं बनी बनाई पार्टीज हैं और उनके बने बनाए सपोर्टर्स हैं ये जो है ये इलेक्ट ना करें अपने उनको और दूसरे जो एक्चुअली गवर्न कर सकते हैं उनको आने की आ, आगे चांसेस दें तो शायद आगे जाकर लोग और दो, वोट करें। दो सवाल हैं फिर एक तो उन्होंने निशानदही की कि आजकल के, आज के हुक्मरान जो हैं उनसे मुझे लगता है इनको ज़्यादा उम्मीद नहीं है वो कहती हैं कोई उन्हें वोट नहीं देना चाहता तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि हम किस तरह ऐसे लोगों को वो लोग यानी अक्सरियत आप कहती हैं वोट देना नहीं चाहते क्योंकि इस काबिल नहीं हैं लोग जो बैलेट पे हैं तो उन लोग वो ज़ाहिर है ज़्यादा तादाद में हैं लोग तो उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो निज़ाम के हवाले से कोई ऐसी चीज़ करें कि ऐसे लोगों को मौका मिले जिनको वो साठ फ़ीसद आबादी वोट देना चाहती है और अगर ऐसा वाकई उनकी जिम्मेदारी है तो वो उस हवाले से क्या कर सकते हैं सर बेसिकली बात ये है यहाँ पे पहले तो जब मैं वोट देने गया तो मैं जब वो तो मेरे, जाने से पहले ही मेरे नाम पे कोई वोट ड्रॉ कर चुका था उसके बाद क्लियर बात कह रहा हूँ आपसे अच्छा। ये होता है यहाँ पे है मैं जब फर्स्ट टाइम वोट देने गया मेरे साथ हुआ दूसरी बात सिक्योरिटी की है जैसे जमुरी आदमी 21 वोट दिया जी बिल्कुल दिए उसके बाद दूसरी बात सिक्योरिटी की मैं करूँ सिक्योरिटी यहाँ किसी भी हम में से जितने लोग बैठे किसी को नहीं मिली सिर्फ मिनिस्टर्स की है आप यहाँ से बाहर निकले इवन आप लोग आप लोग भी जाएँ आपको भी कोई सिक्योरिटी नहीं दी भी कोई आया आपको मार के चला जाए किसी को कुछ नहीं पता कोई मिनिस्टर आएगा तो उसके साथ बीस पचास गाड़ियाँ आएंगी उसको पता है मैं सिक्योर हूँ वो कहीं घूमने जाएंगे कहीं राइड हो रहे हैं तो वो जाएंगे हाउ डज दैट मेक यू फील जब आप देखते हैं एक मिनिस्टर है उसकी प्रोटोकॉल है उसे जो है फराम किया जा रहा है आपके टैक्स के पैसे से और आप अपने आप को वर्बल फील करते हैं तो पकड़ के मारू अच्छा तो मतलब ये हाल है की हम लोग उनको पहले आते हैं जब वोट चाहिए होते हैं तो आके स्ट्रीट लाइट लग रही है जब वोट मिल जाते हैं वो उतर जाती है और बिक के उनके पास पैसा जाता है ये यहाँ के हाल है लेकिन ये कराची के हालात बता रहे हैं आप कराची में रहते हैं तो ये कराची के हालात बताजिए बेहतर हैं द्रवीद तो अगर कराची के अंदर रहने वाले लोग ये कह रहे हैं कि जी लेकिन लाएग मैं लाएग ये चाहूँगा कि ये तनकीद तो सब ने कर दी लेकिन अब ये कैसे होगा आपने कहा आप बीस वोट डले हुए होते हैं आपका पहले से डला हुआ होता है और कोई ये कहना चाहेगा कि इस चीज़ को हम बदलें किस तरह किसी के पास आइडियाज हैं एनी द माइक देखें इसका एक सा आंसर तो ये है कि मीडिया हमें शेयर से अब इस दफ़ा जवाब नहीं दे रहे नहीं नहीं अच्छा जी इसका एक सिंपल सा जवाब यही है कि मीडिया हमें एक तरफ की जो है तस्वीर दिखा रहा है क्रिटिसिज्म 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 हमें हल सल्यूशन पेश नहीं कर रहा जिस दिन पाकिस्तान का मीडिया दोनों सल्यूशन भी पेश करेगा आवाम के सामने और क्रिटिसिज्म भी तब मैं समझता हूँ मीडिया क्या कोई बुजुर्ग है आपका क्या नहीं देखें आपकी तनकीद सराखों पे और आप एक अच्छा पॉइंट उठा रहे हैं कि मीडिया बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया इस हद तक मैं आपसे एग्री करता हूँ लेकिन जब आपने कहा कि मीडिया हमें सलूशन क्यों नहीं दे रहा और ये मुइज मैं बता चुका हूँ आपको कि मेरे साथ दो दफ़ा ये हुआ एक दफ़ा बहुत संगीन तरह से हुआ था कि मैं ट्रैफ़िक जैम में फंस गया था और 10-12 लोग मेरे पास आ गए और उन्होंने कहा कि आप वही हैं ना जो टीवी पे आते हैं अब अमूमन लोग कोई अच्छी बात कहते हैं तो मैंने गलती से अपना सर हिला दिया तो उन्होंने कहा आप टी वी पर आते हैं आप बातें करते रहते हैं बातें आपकी अच्छी होती हैं हमारा हमारे हालात कुछ नहीं बदलते आप हमारे लिए ये नहीं करते वो नहीं करते आप कुछ करें तो सिर्फ बोलते रहते हैं देखें मीडिया का काम अवेयरनेस फैलाना है और दीगर उसके काम हैं लेकिन सल्यूशन आपने सल्यूशनस का सोचना है अगर आप अपने सल्यूशन का नहीं सोचेंगे तो कोई और आके वो सल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगा तो आप सल्यूशनस की बात करते हैं अगर कोई यहाँ पे आप फिर बोलना चाहेंगे आपने जाहिर है वोट इक्कीस दफ़ा किया दिया है तो आपके बोलने का हक भी इक्कीस गुना है अब मेरे ख्याल से आप कुछ कहना चाह रहे हैं सल्यूशन की बात करें तनकीद हो रही है और होती रहेगी बात यह है कि जब आप सल्यूशन की तरफ जाते हैं तो कुछ करना भी चाहें आप तो नहीं कर पाते इधर पहली बात तो ये फिर मैं तनकीद करूंगा कुछ करना भी चाहते हैं आप नहीं कर पाते सोल्यूशन इसका क्या किये? करना चाहते हैं बेसिकली हम चाहते हैं कि एक अच्छा हुक्मरान आ गया है जो हमारे लिए कुछ कर सके लेकिन हम उसको लेके आते हैं वो आके खुद फिर क्या कहते आपने आपका वोट बीस दफा आपने दिया जाके वोट किसी को एक आपका डला हुआ था आपने उसके हवाले से यानी आपके डले हुए वोट किया आप, आप एहतजाज करते या पिटिशन इलेक्शन पटिशन फाइल करते या कंप्लेंट दाखिल करते बात आपने बीस वोट दे दिया जाके बात ये मैंने पिटना था तो ये आपके सोल्यूशन आप की अच्छा यानी जबर था ठीक है ओके ओके आप लोग स्ट्रांगली बिलीव करते हैं पाकिस्तान में आप लोगों के ओपिनियन स्ट्रांग है कितने लोग हैं हाथ उठा के जिनके ओपिनियन स्ट्रांग है पाकिस्तान के हवाले से तो सिर्फ चार लोग क्यों बोल रहे हैं मतलब आपको बोलना चाहते नहीं है या आप समझते हैं कि ये जिन, जिन लोगों से इनको पिटना था वो आप लोग भी, को भी पीट देंगे वाई वाई नॉट कुछ कहने को है डू यू हैव समथिंग टू से अबाउट पाकिस्तान अभी पाकिस्तान रेलवेज को दस करोड़ दिए थे गवर्नमेंट ने अब गवर्नमेंट जब कुछ कर रही है जी दस हाँ दस करोड़ अब तो अगर गवर्नमेंट कुछ कर भी रही है जो जितने भी दिए दिए उन्होंने लेकिन अब गवर्नमेंट ने दिए तो सिर्फ जो उसमें थे आगे ऊँची पोस्ट में तो उन्होंने अपने सारे ऑफिस में लगा दिए तो अगर जब गवर्नमेंट कर भी रही है तो उसका फ़ायदा क्या हो रहा है वो तो अपने ऑफिस में ही लगा रहे हैं तो मिस गवर्नेंस जब आप देखते हैं मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्स देखते हैं जब आप देखते हैं मैं कह रहा हूं इनके परसेप्शन तो है ना इनका सही है या गलत है तो आपका रद्दमल क्या होता है एक तो आपने आज टीवी शो है काफ़ी लोग देख रहे होंगे आपने अपने एक गु़स्से का गम गुस्से का इजहार तो कर दिया एक चीज़ तो आपने ये की इसके अलावा आप क्या करेंगे जब आप देखते हैं कि आपके हुक्मरान ये कर रहे हैं कर रहे हैं या नहीं कर रहे लेकिन आपका परसेप्शन यही है कि कर रहे हैं गर, गर, कर तो रहे हैं लेकिन जैसे उस एक दफा ट्रेन अभी कुछ अर से पहले एक ट्रेन गई थी जिसकी लाइट तक नहीं थी वो लोग जो लोग निकले सफ़ेद कपड़े पहन के वो काले कपड़े पहन के निकल रहे हैं पूरा धुआं उन उन पर फूक चुका है तो लोग तो कहते हैं आते हैं टीवी पे कहते हैं इवन लोग स्ट्रीट पे आते हैं उनका फायदा थोड़ी कुछ होता वैसे मैं ये बताता चलूँ कि मैं यहाँ पर ट्रेन में नहीं गाड़ी में आया हूँ और मेरी शलवार कमीज पहले भी काली थी अब आपका ये कहना है कि एहतजाज से कुछ नहीं होता मायूस हैं आप मायूस होते चाह रहे हैं अभी अभी तक इनको जरा माइक दें इनकी हरी शर्ट है आप बताएं, आप भी मायूस हैं निज़ाम महमूद फ्राम लिया कॉलेज ऑफ मेडिसिन मैं ये कहना चाहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि सुबह आज़ादी का सूरत <coughs> जिस मुजा का कर्ज है इसकी किरणों की हिफाजत अब हमारा फ़र्ज़ है पाकिस्तान जिंदाबाद या पाकिस्तान से जिंदा भाग आज आपने पार्ट वन देखा इन कल इसका पार्ट टू आपको दिखाएंगे और देखेंगे कि ये सारी बहस किस तरह समेटते हैं ये नौजवान क्या ये कायद के ख्वाब को आगे लेके जिंदा ख्वाब को आगे लेके चल सकते हैं या वाकई पाकिस्तान से भागने की सिचुएशन आ गई है कल एजेंडा थ्री सिक्सटी पर दस बज के दो मिनट पे पाकिस्तान